ढाबे व कबाड़ की दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा लगभग 1 लाख रुपए से अधिक का सामान जलकर राख हो गया। लालकुआ कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ट्रांसपोर्ट नगर स्थित टेम्पो स्टैंड के पास ये आग लगी। आग इतनी भीषण कि बुझा पाना आसान नहीं। आग किन कारणों से लगी ये अभी पता नहीं चला। ये आग ढाबे व कबाड़ की दुकान में लगी। आग लगने से दुकान में रखा लगभग 1 लाख रुपए से अधिक का सामान जलकर राख हो गया। इधर पीड़ित दुकानदार ने शक जताते हुए एक स्थानीय युवक पर दुकान में जानबूझकर आग लगाने का आरोप लगाया। कोतवाली में शिकायत की गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार कोतवाली क्षेत्र के अंबेडकर नगर वार्ड नंबर 1 निवासी रतिराम पुत्र स्व प्रहलाद ने पुलिस को सूचना देकर बताया कि उनकी ट्रांसपोर्ट नगर स्थित टेम्पो स्टैंड के पास खाने के ढाबे के साथ ही कबाड़ की दुकान है। बीती रात करीब 9 बजे वो दुकान बंद कर अपने घर चले गए थे। तभी रात में लगभग 12 बजे किसी व्यक्ति ने फोन पर बताया कि तुम्हारी दुकान में भीषण आग लग गई है, जिसके बाद वो तुरंत परिवार के साथ मौके पर पहुंचे और देखा कि दुकान में आग की भीषण लपटे उठ रही है। आग बुझाने का भरपूर प्रयास किया लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इस दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस द्वारा फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। करीब आधे घंटे बाद हल्द्वानी से मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को बुझाया, लेकिन तब तक दुकान में रखा लगभग 1 लाख रुपए से अधिक का सामान जलकर राख हो चुका था। आग का कोई मुख्य कारण ऐसे पता नहीं चला, क्योंकि यहाँ आसपास कहीं भी आग लगी नहीं थी। 12 बजे के टाइम कम से कम मेरे पास किसी का कॉल आता है और मेरे को बोला कि आपकी दुकान जल रही है, तो मैं इधर आया था, मेरा भाई आया था, हम लोग आए इधर तो पुलिस की टीम मौजूद थी जिन्हें फायर ब्रिगेड की टीम को बुला रखा था। तो फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, आग बुझाई गई, लेकिन हमारा कोई भी सामान बचा ही नहीं गया। नुकसान काफ़ी हो गया, जिसमें हमारे 3-4 तख्त हो गए, सिलेंडर गैस सिलेंडर हो गया, और 100 रुपया प्लेट लगाई थी हमने, लाइटर जलाते थे, बैटरा हो गया, और तरीके का दुकान का सामान हो गया, भगोने बर्तन हो गए, सब जल गए। बाकी हमारे साथ में एक कबाड़ का काम भी था, जिसमें कबाड़ का भी बहुत नुकसान हुआ, प्लास्टिक सब जल गई, गत्ता सब जल गया, और जो भी चीज थी सामान में सब जल के खाक हो गई। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।